इसके मुंह से फ्रेंच भी साउथ इंडियन लग रही है। जाके आपके नाम पे 200 रुपए डिस्काउंट लेके आए। अब सेट हो गई थी। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द गुड फैमिली। एंड ये व्लॉग जैसे कि लास्ट व्लॉग मैंने प्रॉमिस किया था होने वाला मेरा बर्थडे व्लॉग। थैंक यू फॉर ऑल द विशेस यू हैव सेंट इन माय प्रीवियस व्लॉग। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। दिल से थैंक यू। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो यार। थैंक यू। तो बस टाइम होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं। एंड रुचि दी आई हुई थी जैसे कि वो आई हुई है और सेलिब्रेशन शुरू होने जा रही है। अब आओ मैं दिखाती हूँ सब क्या कर रहे हैं। वो वहाँ पे ये लोग मेरे लिए गाने वाने लगा रहे हैं, केक सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं। और मेरी बहनें भी आई हुई हैं। अरे ये देखो एक बार, ये देखो पजामा पजामा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये देखो अभी रिकॉर्ड करके 12 बजे बाहर निकले हैं। वो लोग सुनते हैं, वो लोग सुनते हैं, वो सारा इसके माँ इसके मुंह से फ्रेंच भी साउथ इंडियन लग रही है। किसने कहा से है यार? ये कहाँ सीखी बेटा? तालियां। अरे बोलो इसने सही गाया कि नहीं गाया, जिसको फ्रेंच जाती है बताओ, वही सब सही है ना? आधा पंजाबी में भी बोलो। चलो तो बहुत मुबारक है, तुम हैप्पी बर्थडे किया, जन्मदिन दिया, बहुत बहुत मुबारकियाँ, बधाइयाँ, चलो बधाइयाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह ये देखो ने दिया है, ये अदा ने दिया है, तो शिवी ने, मामी ने था। हाँ मामी। और ये अरे अरे कैसे रिमान, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बेटा। तो ये रुचि दीदी गिफ्ट लाई है, क्या है दीदी आप ही दिखा दो, को नजर बहुत ज्यादा लगती है। ओ, तो मुझे नजर लगती है। सिल्वर की चेन, नजर बटन वाली और सिल्वर की एंकलेट। ओ वाओ, लो जी पहन मिली, अब से ही मुझे नजर नहीं लगती है। वो क्या है रौनक भैया लाए हैं, खुलना फास्ट ट्रैक का है। ये आपके लिए चुजी, उनको पता है कि कियान को भी देना पड़ता है साथ में। Early the next morning. Good morning guys. तो रात को तो हम सो गए थे भैया, हो गए थे, 1:30 बज गया था सबके साथ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, क्योंकि अदा और कियान का स्कूल है। अब पहले अदा की बारी है उठने की, अदा का लंच पैक हो रहा है एंड फिर मैं कियान को उठाऊंगी। गुड मॉर्निंग अदा। थैंक यू। आज तो तेरे को मैं तैयार करने वाली हूँ। ये बड़ी अच्छी लड़की है, रात को इतना लेट सोई और एक आवाज़ में उठ गई, बहुत अच्छी लड़की है ये भाई। लास्ट चोटियाँ अपने बचपन में बनाई थी मैंने, आज इस इसकी बनाऊंगी, इसकी चोटियाँ। तो पाती से धो गए, ठीक बनी है चोटियाँ, हो गई तैयार। अदा अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, बैठो आराम से 15 मिनट इंजॉय करो। 15 मिनट्स अर्ली यू आर रेडी। किलू को एक बार बोलो अदा जा रही है और ये बेचारा सोते हुए उसको छोड़ ले जाता है। सोते हुए छोड़ने जाता है। चलो चलो तो कर रहे हैं बड़े पापा से। अरे नहीं ये अच्छा बच्चा है, देखो इसी बहाने बेचारे की नींद खोल देते हैं हम,
कि अदा जा रही है। अदा का नाम सुनते ही ये लड़का ऐसे उठ जाता है, बस आंखें बंद रहती हैं लेकिन शरीर इसका उठ जाता है। बाय अदा। यार एक बात तो सच में अच्छी है हमारे बच्चों की, और वो ये कि ये रात को कितने बजे सोए हैं, यू वोंट बिलीव, हमें 1:30-2 बज गया था एंड ये लोग सोए हैं, अदा भी और कियान भी। अदा भी एक आवाज़ में 6:30 बजे मैंने बोला अदा बेटा उठ जाओ, उठ गई चुपचाप, ना वो किसी को डिस्टर्ब करती है, मम्मी सो रही हैं, भैया सो रहे हैं, गे सो रहे हैं सब, लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं करती किसी को भी। और सेम ये कियान है, कियान को एक आवाज़ मारी है मैं अदा को नीचे छोड़ने जा रही हूँ 7 बजे, है ना किनू, और किनू वन टाइम में उठ गया कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा मम्मा, मैं भी जाऊँगा मम्मा, मैं भी जाऊँगा। तो मेरे छोटे से किनू रेडी होगा, ये स्कूल चला जाएगा, है ना। तो गाइज मुझे मेरी फैमिली ने पूरी ने मिल के जो गिफ्ट दिया है वो है जिम की मेंबरशिप। तो आज से ही मैं जिम जाना स्टार्ट कर रही हूँ, आज ही से, यस, अपने बर्थडे वाले दिन से ही। बर्थडे पे चीट मील होगी कोई बात नहीं, लेकिन आज से ही वो मेंबरशिप वो आज से ही चालू कर दी है मैंने। एंड मैं और आशु सर अब जा रहे हैं जिम, वैसे हम जाया करेंगे कियान को छोड़ते ही, लेकिन अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा लेट क्योंकि आशु सर वन शॉट रिकॉर्ड कर रहे थे अपना, वापसी में आते हुए हम कियान को लेते आएंगे, बस अब जा रहे हैं। तो भाई ये पास हो चुकी है लड़की, लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी मेरा। देखो घर भी आ गई, ये तो दोनों एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, इनको इतनी दूर एकेडमी आने में बड़ा आलस आ रहा था तो ये घर ही आ गए। ये क्या स्पाइडरमैन, पता नहीं ये कटवा, ये क्या मतलब क्या से केक कटवाना है तुमने, मतलब बोला था हैब्स के काम है। सर अभी अभी कॉल आया कि ऑफिस से समीर सर ने मेरे लिए कुछ भेजा है, तो वो नीचे आए हुए हैं तो मैं वो पिक करने अभी आई हूँ। तो समीर सर ने भेजा है ये एक हैम्पर एंड साथ में ऑब्वियसली केक। आज राखी है तो बहुत बिजी थे वो, उनके यहाँ पे आज राखी मना रहे थे, हम कल मना चुके हैं, तो उन्होंने ये भेज दिया पार्सल, बट थैंक यू सो मच दिल से। इतना भाई आज का दिन इतना हेक्टिक हो रखा है, यू वोंट बिलीव, तुम्हें लगेगा लाइक कि मैम रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज नहीं पोस्ट कर रही है, लेकिन इतना 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 हेक्टिक हो चुका है कि पूछो मत। तो भाई मैं पहुंच गई हूँ अकेडमी, और क्या हो रहा है लक्ष्य भाई, कुछ बताओ मुझको क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे बच्चों के द्वारा, सरप्राइज है, तुम भी मिले और सर भाई साहब भी मिले, ये फंस गया, अभी इसको सिर्फ मेरा सरप्राइज होता है। अच्छा तुम्हारा भी कोई सरप्राइज है, लोग क्या है, तो भाई बच्चे कहाँ आए हमारे, नहीं वो हमारी दुकान वाली कैंटीन थी, हमने परमिशन लिया, ओके, तो वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो, कहाँ से केक लाए हो, जीपीपी से, हमारे यहाँ के पास ही है, क्या कह रहे थे आप, तो हम लोग गए तो 1200 का बिल बना, ये देखो मेरे लिए केक लाया और मेरे को केक की वो बता रहे हैं प्राइस 1200 का केक बना, मैंने बोला डिस्काउंट तो बोला फिक्स रेट है हमारा, अच्छा फिर उसका मालिक बैठा तो शॉप पर, हाँ सर कुछ डिस्काउंट दे दो, अच्छा वो बोला फिक्स रेट है, मैं सर आशु सर के वहाँ पे जा रहे हैं, आशु सर के वहाँ पे बोला कि मैं तुमका बड़ा फैन हूँ मेरा, खाली बोला कभी मिल रहा है अलग की, तो वो फिर मैंने अंकल बोलो क्या दो, बोला कि जो मर्जी है वो दे दो, अच्छा तुम्हें अंकल बोल दो तो 1000 दे दो, अरे वाह 200 रुपये छोड़ दिए। कहते आप आस्टर की वाइफ हो ना, मैंने कहा हाँ जी, कहते मैं उनकी सारी वीडियो देखता हूँ जब मैं खाली बैठता हूँ, मैंने कहा अब प्राइस बताओ तो क्या है। सर आप मेरी बात सुनो, गौरव पेस्ट्री वाले पे जाके आपके नाम पे 200 रुपए डिस्काउंट लेके आए, शर्म आनी चाहिए आपको।
ठीक है सर, थैंक यू आप लोग आए, थैंक यू। हाँ थैंक यू, थैंक यू। हम मुझे कब आना है उधर? यार तुम तैयार होके आ गए यार, तुम सारे चले। हाँ भाई क्या है, सब कुछ बम 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 कट रहे। अब ये नहीं पता, ये इधर जाके पता लगेगा। मैम है भाई, आ जाऊँ क्या? नहीं। अरे भाई, अरे घुसने तो दो। मैम बर्फ पड़ने वाली है। इस हरकत की वजह से मैं तो बहुत अपसेट हो गई थी, तो अब मैं फेस वगैरह वॉश करके वापस आई हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सिस्टम है भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन एक सेकंड। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये फंस गए। मेरी किटकैट किसने खाई? मेरी किटकैट किसने खाई? पकड़ा गया। लेकिन एक सेकंड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी लक्ष्य का एक सरप्राइज बचा है, वो देख के ही जाएंगे। बहुत बढ़िया। सभी ने यार मतलब इतना सारा क्या हाल है, ये तो बहुत कम बचे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम हो रहा था तो लोग चले गए। लेकिन इन लोगों ने मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बनाया। हाँ शुरू में थोड़ी सी प्रियांशु हटा के जसपाल भाई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ बहुत कुछ हो रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप दे दो, ये आपका खराब नवजात इधर दे दो इसे। तो भाई वहां पे तो मुझे गुस्सा आ गया, स्प्रे का चक्कर तो नहीं है यहां पे? नहीं, यहां हम आपको बिल्कुल साफ सुथरा भेजेंगे ताकि आप इसके बाद आफ्टर पार्टी भी कर सको। हां उन्होंने मुझे बहुत खराब कर दिया था। आ जाओ बच्चों। हेलो, मेरा मेरा क्यों रहा यार? कुछ फिर मुझे बोरे में डाल के पीटने थोड़ी वाले लोग। नहीं नहीं मैम, हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो वहां के बच्चों ने प्रेसिंग वेसिंग सब खराब कर दी है। आज हमारी मैम इतने दिनों बाद तैयार होकर आई थी, वो भी इतने दिनों बाद। मतलब बच्चों खोलो यार। Happy birthday! आप खोलोगे और बताओगे आपको कैसा लगा? ये तुम लाए हो? Yes. तुम? Yes. तुम अपनी सैलरी से लाए हो? Yes. ओ वाह यार, लड़का बड़ा हो गया तो। क्या करें? चलो बोल। मुझे पता था आपको कॉफी पसंद है। यहाँ पे रख दो यार ये वाला। डन। ब्लैक कॉफी के लिए ये मग चाहिए। ये मग यहीं रहेगा। ये दो साफ करना भी तुम्हारी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है। Washu sir is here to pick me up. Hello sir. Hello ma'am. Thank you for coming.
हैप्पी बर्थडे मैम। ओह थैंक यू। वो मसला? सो जल्दी सो जल्दी। सबसे पहले मैंने किया था, याद है आपको? 12 बजे मैं आया था आपके पास। यस। रात को पकड़ा गया सबके सामने, लेकिन मैं ही तो आया था सबसे पहले। चलिए सर मेरा हालत देखिए, अगर बाहर घूमने जाना है तो मुझे तैयार होना पड़ेगा दोबारा। ओए होए केक उठा के लेके जा रहे हैं बोरे के, कह रहे मैं उठाऊंगा। तो हम पहुंच गए हैं सीपी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ माय फॉलोअर्स को पता है कि मुझे मेरा सबसे फेवरेट क्यूजीन कौन सा है। तो साउथ इंडिया। तो आज हम पूरी फैमिली आए हैं साउथ इंडियन खाने, वो भी सीपी में, एक बहुत अच्छी जगह है। हमने लाइक काफ़ी साल, एक दो साल पहले खाया था यहाँ से, लेकिन बहुत टेस्टी था और वैरायटी वाइज भी अच्छा है। तो आज हम वहाँ आए हैं। यार मम्मी यार क्या जरूरत थी इतना, मतलब बलून बलून लगवा के रखने की मम्मी यार। हमारी बहू रानी का बर्थडे आपने तो पूरा डेकोरेशन वगैरह करा रखी है मम्मी यार। किसी और की हो रखी है। इनका खाना आ गया, उसकी फेवरेट इडली। ये देखो मतलब इडली इसकी आई है, इसमें चटनियाँ ये सब लपेट रहे हैं। और देखो एक ये वाइट चटनी मम्मी, ये भाभी और ये भैया। मैं टेंशन में आ गया कि मेरे को इडली मिलेगी नहीं मिलेगी। यार अदा का खाना भी आ गया, अदा ने शुरू भी कर दिया यार, तीनों ने खत्म भी कर दिया यार, हम रह गए यार बड़े बड़े लोग। भाई कोई स्नैक्स नहीं खा रहा ये आदमी। रवा रवा डोसा है, रवा ऊपर नारियल रहते हैं ना। हाँ मम्मी ने कहा स्पाइसी बनाओ, ये तो दिखने में स्पाइसी लग रहा है। रवा वेजिटेबल, रवा पनीर, पूरा पूरा ये देखो, ये सौंफ और मिश्री पे कैसे टूट रहे हैं, और इसको पूरे मुंह में भर लिया सौंफ। इसको खाने से पहले सौंफ दो, खाने के बाद सौंफ दो इसको। और ये डोसा फैक्ट्री जहाँ हम आए हैं, उनके मैनेजर क्लिकिंग पिक्चर विद आशु सर। हाँ अभी गए थे डोसा फैक्ट्री में, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग चाहे वो मैनेजर हों, चाहे वो स्टाफ मेंबर हों, चाहे वो फैमिलीज हों, वो सब आशु सर को जानते थे। और यहाँ तक कि अभी हमने फैमिली फ़ोटो खिंचवाई, जिसके अंदर जिस बच्चे से हमने खिंचवाई वो भी आशु सर को जानता था, कहता पहले मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ फिर आप मेरी फ़ोटो खींचना आशु सर के साथ। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत प्यार प्यार बनाए रखें, थैंक यू सो मच। तो अब हम यहाँ आशु सर की पहली बीवी पे दूसरी बीवी के बर्थडे का केक कट करेंगे। और ये केक भेजा है समीर सर ने यहाँ, थैंक यू सर। वाओ काटो अदा थैंक यू यार, मज़ा आ गया केक कट करके भी एंड बर्थडे सेलिब्रेट करके भी। अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। हम घर आ गए हैं और मैं बस व्लॉग एंड ही करने वाली थी कि यार मैंने सोचा कि पहले मैं आपको अपनी खुशी जाहिर कर दूं कि इतने सारे तोहफे, इतने सारे केक्स जो मैंने आज कट किए और आप लोगों की मतलब 100,000 ऑफ विशेस जो मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे रिसीव हुई, मुझे आशु सर को स्टोरीज पे मेंशंस, मतलब मैं सबको रिपोस्ट भी नहीं कर पाई, इतने सारे मेंशंस थे। ये मेरे एकेडमी के बच्चों ने, ये जसपाल ने, ये फ्रेंड ने, मतलब इतना सारा घर वालों ने गिफ्ट दिए और सब, ये सारी चीज़ें जो मुझे आज मिली, ये प्यार
उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आई होप आपको मेरे साथ बिताया हुआ पूरा ये दिन यानी कि मेरा बर्थडे अच्छा लगा होगा और आपने फील किया होगा कि आप भी मेरे साथ साथ ही हैं। तो बस ऐसे ही प्यार जैसे मेरे हर व्लॉग को आप दिखाते हैं इसको भी दिखाइएगा। ब्लेसिंग्स अपनी मेरे साथ हमेशा रखिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।